छत्तीसगढ़ में जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण नहीं फैला है वहां कुछ विशेष शर्तों के साथ सरकारी कार्यालय खोले गए हैं और विकास कार्यों की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक कोरोना से संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन में कुछ हद तक छूट दी है, जहां कुछ खास हिदायतों के साथ सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार निर्माण और विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति दी है। कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की भी छूट दी गई है, मगर गैर जरूरी व्यावसायिक संस्थान अब भी बंद रहेंगे। अन्य जिलों से आवागमन शुरू किया गया है, जिनमें यात्रा की अनुमति वाले निजी वाहन एवं खाद्य आपूर्ति वाले वाहन ही राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर चल सकेंगे। संभाग में धारा 144 पहले की भांति लागू रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन में पिछले एक सप्ताह से आप सभी अच्छा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, और आने वाले 3 तारीख तक हमें लॉकडाउन को बरकरार रखना है। इसमें जैसे लॉकडाउन चल रहा था उसी प्रकार चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कंस्ट्रक्शन, कृषि, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इससे संबंधित कार्यों में छूट दे रखी है। अन्य कोई भी कार्यों में छूट नहीं है। तो पूर्व में जो लॉकडाउन चल रहा था वो यथावत चलता रहेगा। शहरी क्षेत्र में भी यही स्थिति बरकरार रहेगी। वनोपज के क्रय विक्रय पर पाबंदी नहीं है। वनोपज का व्यापार जो चलता है, जो मंडी से अधिकृत व्यक्ति हैं और विशेष रूप से MSP से ऊपर ही क्रय विक्रय होगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जो फिजिकल डिस्टेंस है, 1 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस बरकरार रखते हुए ही 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही हर कार्रवाई को अंजाम देना है। सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर, सार्वजनिक स्थान का मतलब है घर से बाहर आप मास्क में ही निकलें और हर जगह पे मास्क का प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है, 500 रुपये का जुर्माना अधिरूपित किया जाएगा। इसमें राजस्व विभाग, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है कि वो जुर्माना कर सकते हैं। तो आशय यही है कि सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके और इससे स्प्रेड को हम कम कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के लगातार सहयोग से बस्तर जिला वर्तमान में ग्रीन जोन में है और आप सभी अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से समझ रहे हैं ग्रीन जोन मर्थ की कुछ रियायतें बस्तर जिले को प्राप्त होंगी, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से कृषि के कार्य, नरेगा के कार्य शुरू होंगे। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, नंबर 1, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें आप। नंबर 2, मास्क अनिवार्य किया गया है। मास्क का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप तो उसका अपराध दर्ज होगा। हम लोगों ने काफ़ी समझाई दे चुके हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं घर जाने के बाद, लेकिन यदा कदा अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपको पुलिस की कार्रवाई का सामना कर कार्रवाई देखनी पड़ेगी। साथ ही जितनी भी गाड़ियां हैं सभी को अभी आवागमन, जो मालवाहक गाड़ियां हैं सभी प्रकार की, सभी का आवागमन जारी रहेगा। लेकिन जो बस्तर जिले के बॉर्डर पे जितने भी हम लोगों ने नाका बनाया है सभी जगह उन गाड़ियों पे चेकिंग की जाएगी। किसी भी मालवाहक गाड़ी में 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर के अलावा अन्य किसी प्रकार का लेबर का आवागमन नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने से उसमें कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही NMDC आज से उसमें कुछ कार्य उसमें प्रारंभ होंगे, उसमें भी यथासंभव जो श्रमिक वहीं पर रहते हैं इन हाउस उन्हीं के माध्यम से कार्य करवाया जाना है, या मैक्सिमम जिनको पास मिला हुआ है वैसे लोग जगदलपुर शहर से आना जाना करेंगे लिमिटेड में। लेकिन किसी भी हालत में जगदलपुर बस्तर जिले के बाहर से कोई भी नगरनार हेतु आना जाना नहीं कर सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।